चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे शशि कपूर साहब की साल 1983 से लेकर साल 1985 में आने वाली सभी बड़ी फिल्मों के बारे में। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता चलूं कि एक हमारा नया चैनल है नूरशाह, जिसमें आप खाने की सभी डिटेल आसानी से जान सकते हैं। तो आप इस चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं और हर खाने की नई नई अपडेट आसानी से जान सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं, बात करते हैं सबसे पहली फिल्म की। इनकी सबसे पहली फिल्म आई थी साल 1983 में, फिल्म का नाम था बंधन कच्चे धागे का। ये मूवी साल 1983 में आई थी फिल्म। इसमें हमें नजर आए थे शशि कपूर, जीनत अमान, राखी गुलजार अहम किरदार में थी। अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, हिट या फ्लॉप के बारे में, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता चलूं कि इस फिल्म का बजट 1 करोड़ रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर ओनली 1 करोड़ रुपए कमाई थी। वहीं पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने 1.5 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक एवरेज करार दी गई थी। अगली फिल्म आई थी साल 1983 में, फिल्म का नाम था गहरी चोट। ये मूवी साल 1983 में आई थी फिल्म। इसमें हमें नजर आए थे शशि कपूर के साथ और भी एक्टर अहम किरदार में थे। अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, इटिया फ्लॉप के बारे में, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता चलूं कि इस फिल्म का बजट 1 से 1.5 करोड़ रुपए के बजट बनी थी फिल्म। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर लाइफ टाइम 70 लाख रुपए कमाई थे। वहीं पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने 1 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की थी। और ये मूवी एक्शन कॉमेडी फैमिली फिल्म थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप करार दी गई थी। अगली फिल्म आई थी शशि कपूर साहब की साल 1984 में, फिल्म का नाम था पाखंडी। ये मूवी साल 1984 में आई थी फिल्म। इसमें हमें नजर आए थे शशि कपूर, संजीव कुमार, जीनत अमान अहम किरदार में थी। अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिट या फ्लॉप के बारे में, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता चलूं कि इस फिल्म का बजट 1 से 1.5 करोड़ रुपए के बजट बनी थी फिल्म। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर ओनली 1 करोड़ रुपए कमाई थे। वहीं पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने 1.5 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की थी। और ये मूवी एक्शन कॉमेडी रोमांस से भरपूर मूवी थी, लेकिन ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के हिसाब से एक बड़ी एवरेज करार दी गई थी। अगली फिल्म आई थी शशि कपूर साहब की साल 1984 में, फिल्म का नाम था यादों की जंजीर। ये मूवी साल 1984 में आई थी फिल्म। इसमें हमें नजर आए थे शशि कपूर, सुनील दत्त अहम किरदार में थे। अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिट या फ्लॉप के बारे में, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता चलूं कि इस फिल्म का बजट ओनली 1.5 करोड़ रुपए के बजट बनी थी फिल्म। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर लाइफ टाइम 1 करोड़ रुपए कमाई थी। वहीं पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने 1.25 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की थी। और ये मूवी एक्शन कॉमेडी फैमिली फिल्म थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी फ्लॉप करार दी गई थी। फिल्म आई थी शशि कपूर साहब की साल 1984 में, फिल्म का नाम था बंधे होठ। ये मूवी साल 1984 में आई थी फिल्म। इसमें हमें नजर आए थे शशि कपूर, राखी गुलजार अहम किरदार में थी। अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिट या फ्लॉप के बारे में, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता चलूं कि बंधे होठ मूवी का बजट 1 से 1.5 करोड़ रुपए के बजट बनी थी फिल्म। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर ओनली 1 करोड़ रुपए कमाई थे। वहीं पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने 1.5 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप करार दी गई थी। अगली फिल्म आई थी साल 1984 में, फिल्म का नाम था घर एक मंदिर। ये मूवी साल 1984 में आई थी फिल्म। इसमें हमें नजर आए थे शशि कपूर, पद्मनी कोल्हापुरी, शक्ति कपूर, कादर खान और मिथुन चक्रवर्ती अहम किरदार में थे। अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिट या फ्लॉप के बारे में, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता चलूं कि इस फिल्म का जो बजट है वो पता नहीं चल पाया, लेकिन इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 3 से 1.5 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की थी। वहीं दुनिया भर से इस मूवी ने 4 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन किया था। और ये मूवी एक्शन कॉमेडी रोमांस से भरपूर मूवी थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक सुपर डुपर हिट करार
दी गई। अगली फिल्म आई थी साल 1984 में, फिल्म का नाम था जमीन आसमान। ये मूवी साल 1984 में आई थी। ये फिल्म इसमें हमें नजर आए थे शशि कपूर, रेखा, राखी गुलजार, संजय दत्त इसमें अहम किरदार में थे। अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिट या फ्लॉप के बारे में, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता चलूं कि इस फिल्म का बजट 1 से 1.5 करोड़ रुपए के बजट बनी थी। फिल्म इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर ओनली 2.5 करोड़ रुपए कमाई थी। वहीं पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने 3.5 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की थी। और ये मूवी एक्शन कॉमेडी फैमिली फिल्म थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी सुपर डुपर हिट करार दी गई थी। अगली फिल्म आई थी साल 1985 में, फिल्म का नाम था बेपनाह। ये मूवी साल 1985 में आई थी। ये फिल्म इसमें हमें नजर आए थे शशि कपूर, मिथुन चक्रवर्ती इसमें अहम किरदार में थे। अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिट या फ्लॉप के बारे में, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता चलूं कि इस फिल्म का बजट 1.5 करोड़ रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर ओनली 1.5 करोड़ रुपए कमाए थे। वहीं पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने 2 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की थी। और ये मूवी एक्शन कॉमेडी फैमिली फिल्म थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के हिसाब से एक एवरेज करार दी गई थी। अगली फिल्म आई थी साल 1985 में, फिल्म का नाम था पिघलता आसमान। ये मूवी साल 1985 में आई थी। ये फिल्म इसमें हमें नजर आए थे शशि कपूर, राखी गुलजार अहम किरदार में थी। अगर हम बात करते हैं पिघलता आसमान मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिट या फ्लॉप के बारे में, तो इस फिल्म का जो बजट है वो तकरीबन 1 से 2 करोड़ रुपए के बजट बनी थी। फिल्म इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर ओनली 50 लाख रुपए कमाई थी। वहीं पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने 1 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी फ्लॉप करार दी गई थी। फिल्म आई थी साल 1985 में, फिल्म का नाम था अलग अलग। ये मूवी साल 1985 में आई थी। फिल्म इसमें शशि कपूर के साथ राजेश खन्ना अहम किरदार में थे। इस फिल्म का बजट जो है वो पता नहीं चल पाया, लेकिन इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर ओनली 1 करोड़ रुपए कमाए थे। वहीं पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने 1.5 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी फ्लॉप करार दी गई थी। अगली फिल्म आई थी साल 1985 में, फिल्म का नाम था भवानी जंक्शन। ये मूवी साल 1985 में आई थी। ये फिल्म इसमें हमें नजर आए थे शशि कपूर के साथ शत्रुघ्न सिन्हा, जीना तमान और भी एक्टर अहम किरदार में थे। अगर हम बात करें भवानी जंक्शन मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिट या फ्लॉप के बारे में, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता चलूं कि इस फिल्म का बजट 2 करोड़ रुपए के बजट बनी थी। ये फिल्म इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर ओनली 1 करोड़ रुपए कमाई थी। वहीं पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने 1.5 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की थी। और ये मूवी एक्शन कॉमेडी फैमिली फिल्म थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप करार दी गई थी। अगली फिल्म आई थी साल 1985 में, फिल्म का नाम था आंधी तूफान। ये मूवी साल 1985 में आई थी। ये फिल्म इसमें हमें नजर आए थे शशि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा, मिथुन चक्रवर्ती के साथ शक्ति कपूर और इसमें मुख्य किरदार में हेमा मालिनी भी अहम किरदार में थी। अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिट या फ्लॉप के बारे में, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता चलूं कि इस फिल्म का बजट 1 से 1.5 करोड़ रुपए के बजट बनी थी। फिल्म इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर लाइफ टाइम 2.5 करोड़ रुपए कमाई थी। वहीं पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने 3.5 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की थी। और ये मूवी एक्शन कॉमेडी रोमांस से भरपूर मूवी थी, लेकिन ये मूवी
बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के हिसाब से एक बड़ी हिट करार दी गई थी। और दोस्तों इसमें जो शशि कपूर और मिथुन चक्रवर्ती साहब का जो किरदार था काबिले तारीफ था, बहुत ही लाजवाब था। तो दोस्तों ये रही शशि कपूर साहब की साल 1983 से लेकर साल 1985 में आने वाली सभी बड़ी फिल्में। तो दोस्तों शशि कपूर साहब की साल 1983 से लेकर साल 1985 में आने वाली इन सभी बड़ी फिल्मों में से कौन सी मूवी आपके ज़्यादा पसंद है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि आप हमारी वीडियो को किस जिले कहाँ से देखते हैं।